तो क्या आपके Redmi के Note 10 Pro जो मोबाइल फोन है Android का, उसमें ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ नॉट वर्किंग बता रहा है या फिर ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल से हेडफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मोबाइल से जो है ईयरपॉड जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपके एंड्रॉइड मोबाइल में जो रेडमी की जितने भी वर्जन है, रेडमी 10 हो, रेडमी 9 हो, रेडमी नोट 8 हो, उन सभी की ब्लूटूथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किस लोग इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि रेडमी का जो ब्लूटूथ की सेटिंग है उसको रिसेट कैसे करते हैं, और हाँ इसके अलावा ही एक और भी खास टिप बताऊंगा जिससे आप लोग की ब्लूटूथ की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पास है एक रेडमी नोट 10 प्रो मोबाइल फोन, ये एंड्रॉइड फोन है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो दो टिप्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल में रेडमी फोन में कोई भी वर्जन हो, कोई भी मॉडल हो, आप लोगों की ब्लूटूथ की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में जाना है और यहाँ पर ये जो सेटिंग है इस पर क्लिक करना है। सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में जाना है और यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको जाना है और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लूटूथ की जो सेटिंग है उसको हमें जो है करना है रीसेट। अगर हम रीसेट कर देते हैं तो काफी सारे जो है ब्लूटूथ की प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो जाती है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर ये जो है ब्लूटूथ है इस पर क्लिक करेंगे। ब्लूटूथ पर क्लिक करने के बाद नहीं है क्योंकि यहाँ पर रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, ये सभी तीनों का तीनों जो नेटवर्क है इसकी सेटिंग एक ही साथ रीसेट हो जाती है। यहाँ पर दिया भी हुआ है दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग इंक्लूडिंग वाईफाई मोबाइल डाटा एंड ब्लूटूथ। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है रीसेट सेटिंग। तो अगर आप यहाँ पर रीसेट सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में वाईफाई की सेटिंग रीसेट हो जाएगी, मोबाइल डाटा की सेटिंग रीसेट हो जाएगी और ब्लूटूथ की सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी और आपके मोबाइल में ब्लूटूथ नॉट वर्किंग था वो वर्किंग करने लगेगा। सिंपली रीसेट वर्किंग पे रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है अपने फोन का जो पिन है जो लॉक है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। सो दोस्तों अपने मोबाइल का फोन का जो पिन है वो डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला वांट टू रीसेट यू माइट टेक सर्वल सेकंड यू वॉन्ट बी एबल टू अंडू दिस एक्शन। यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, आपके जो रेडमी मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उसकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। अब मैं आप लोग को एक दूसरी टिप्स बताने वाला हूँ, अगर इस सेटिंग को करने के बाद भी आपके मोबाइल में एंड्रॉइड फोन में या फिर रेडमी के फोन में जो है ये ब्लूटूथ जो है काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक और टिप्स है, इसको फॉलो करने के बाद आपके मोबाइल में ब्लूटूथ 100% काम करने लगेगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, उसके बाद से यहाँ पर नीचे की साइड में जाइए एंड यहाँ पर एप्स वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको मैनेज एप्स पर क्लिक कर लेना है। मैनेज ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे राउंड करेगा, यहाँ पर वेट कर लेना है। नीचे की साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर जो होता है आपके फोन में, ठीक है, नीचे की साइड में ब्लूटूथ जो होता है वो यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ब्लूटूथ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ब्लूटूथ का वर्जन दे रहा है वर्जन 12 एंड यहाँ पर काफी सारी सेटिंग दी गई है, आपको किसी भी सेटिंग से छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टोरेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज ब्लूटूथ टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एप साइज वगैरह यहाँ पर सारी कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको क्लियर डाटा दिया गया है, इस क्लियर डाटा वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल डाटा पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली एंड यहाँ पर डिलीट ऑल डाटा ऑल एप डाटा इंक्लूडिंग फाइल सेटिंग अकाउंट डेटाबेस एंड कैच विल बी परमानेंटली डिलीटेड ओके पर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे डिलीट करने से आपका कोई भी आपके फोन का फाइल डिलीट नहीं होगा, आपके सिर्फ ब्लूटूथ का जो फाइल है वही ब्लूटूथ की डाटा है वही डिलीट होगा, उसकी सेटिंग जो है रिसेट हो जाएगी। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके फोन से कोई भी फोटो वीडियो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप ये दो सेटिंग कर लेते हैं तो आपके रेडमी नोट 10 प्रो या फिर रेडमी का किसी भी वजन का ब्लूटूथ जो है काम करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।